आज की क्या एक बड़ी जो शॉर्ट कवरिंग का एक पुल है वो क्या रिलायंस की वजह से भी हो सकता है, रिलायंस रैली हो सकती है? क्योंकि कल भी जिस तरह से रिलायंस मूव दिखा रहा था, प्लस कई सारे बड़े ट्रिगर्स आ गए हैं, जियो का डेटा आया कल, रिलायंस रिटेल में अभी एक नई इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और प्लस कुछ ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स जो अभी मीनाक्षी में बता के गई हैं, एमके का क्लियरली कहना है कि जियो एयर फाइबर जो उन्होंने अभी गणेश चतुर्थी में लॉन्च किया है उससे कहीं ना कहीं एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, 7 से 10 बिलियन डॉलर तक की रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी इस बड़े मूव से दिखती है। साथ ही एमके का तो ये जेफरीज का कहना है, एमके का कहना है कि कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। खैर ये लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स हैं, लेकिन जिस तरह का टेक्निकल सेटअप भी दिख रहा है रिलायंस का, क्या आज इसमें एक अपॉर्चुनिटी, एक ट्रेड ढूंढना चाहिए? जय, इवन रिलायंस को मैंने कल दोपहर को भी सजेस्ट किया था, रिलायंस अक्टूबर का फ्यूचर, तो मुझे लग रहा है रिलायंस में काफी बस बन सकता है, जो कि मार्केट लीडर है पहला तो निफ्टी चलने के लिए रिलायंस को डेफिनेटली चलना पड़ेगा। प्लस अभी प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा यहाँ पर है, 2350 के वहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था डेली चार्ट पर हमने देखा, तो उसके वहां पर एक बेस बन के अपसाइड दिखा रहा है। ऑलरेडी नेगेटिव स्ट्रक्चर था तो काफी सब नेगेटिव न्यूज डिस्काउंट हो चुका है ऑलरेडी, और अभी जो नए नए न्यूज आ रहे हैं वैल्यूएशन कंसर्न है, जो वैल्यूएशन बढ़ के आ रही है, नए जियो के कस्टमर्स ऐड हुए, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। वापिस से 2500 के लेवल मुझे दिख रहे हैं आने वाले दिनों में, अक्टूबर सीरीज तक तो 2600 तक का भी टारगेट दिख रहा है। सो ओवरऑल रिलायंस पर बुलिश व्यू होगा, रीजन बीइंग मार्केट लीडर भी है और निफ्टी को चलने के लिए रिलायंस और एचडीएफसी दोनों को चलना पड़ेगा। सो डबल इंजिन सरकार में कोई एक इंजिन तो डेफिनेटली चलेगा, तो रिलायंस पर मेरा मत सबसे ज्यादा है। साइंस के फ्यूचर्स, अक्टूबर फ्यूचर्स भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। आपने जो दूसरा स्टॉक का नाम लिया वो ही मेरा दूसरा स्टॉक भी था, और दूसरा रहेगा एचडीएफसी बैंक, और ये बताएंगे हमें आयुष, क्योंकि निफ्टी के इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग उससे बात ये हो रही है कि एचडीएफसी बैंक में भी बड़े फ्लोज आ सकते हैं, और कल भी फ्लोज थे एचडीएफसी बैंक में, कल भी वॉल्यूम था, और इसके अलावा कुछ और भी काउंटर्स है, लेकिन एचडीएफसी बैंक क्या आज ये परफॉर्म कर सकता है? आयुष, एचडीएफसी बैंक में भी देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक का एक बड़ा रेजिस्टेंस जो ऊपर में है वो 1560 का, जो कि जहां से हमें कंटिन्यूस वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एक बार अगर 1525 के आसपास अभी ये क्लोजिंग जैसे 1560 के ऊपर ये स्टॉक निकल के ट्रेड करेगा, इस स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे, जो स्टॉक को 1615 से लेकर 1700 तक के लेवल्स लेके जा सकता है, बट 1560 एक लेवल है ब्रेकआउट का वॉच करने का है, जो कि इसका स्विंग रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक 10 नवंबर 2022 के बाद के कल निचले स्तर पर ये शेयर पहुंच गया, और यहीं से निफ्टी बैंक पर दबाव बना और बाजार पर भी दबाव बनाने का काम किया।